इज्जत वजीराबाद में जो हुआ उसके लिए क्या हुकूमत जवाबदारी नहीं लेना चाहिए? क्या उनको ये कहना कि कोई भी जवाबदार नहीं है, ये तो किसी तरीके का जवाब नहीं होता, ये किसी तरीके का तर्क नहीं होता। देखें, देखें, देखें। ये इस काबिल होते तो ये वर्ड मैं आपको कह रहा हूँ की जवाबदारी नहीं है, शुरू कर दी गई है। आप मुझे सुन लें नीलम, नीलम मुझे सुन लें, मुझे सुन लें, घड़ियां तो आप भी चोरी कर रहे हैं, आप जरा सुन लें नीलम, आप लोगों के खिलाफ भी नारे मैं नहीं चाहूंगा, ये अफसोसनाक वाक्य है, इस पे हम सियासत ना करें, इस वक्त सियासत की बात नहीं है नीलम, नीलम इस वक्त सियासत, ये सियासत करने का वक्त नहीं है। एक अफसोस नीलम जी, नीलम जी, नीलम जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर खान, लेट मी स्पीक, ओके प्लीज डोंट स्पीक ओवर ईच अदर, नो दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इशू हियर। नीलम जी, अब मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। आपने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारे शब्द और अपशब्द बोले, लेकिन आगे जाते हुए आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? इमरान खान ने बोल दिया है कि वो लड़ेंगे, लेकिन अगर इस तरीके के हमले उन पर होते रहेंगे, बहुत सारे पुराने हादसों की भी आप बातें कर रहे हैं, बेनजीर भुट्टो का जो पूरा वाक्या था वो हम सबको याद है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी अगले कुछ दिनों में? देखिए जी, हम निकले हैं अपना मुल्क बचाने के लिए चोरों और लुटेरों से, और ये जवाब दे हैं कि पैसा यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग जो की है, वायर ट्रांसफर जो किए हैं, और नौकरों के नाम पे अकाउंट खोल के उनके अकाउंट से पैसा भेजा है बाहर, और इतनी जायदाद वहां से आई 21 लाख जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जब अपना डिक्लेयर किया था, तो अरबों रुपए कहाँ से आ गए इनके पास, मुझे बताएं ये कहाँ से आ गए? ये जवाब नहीं दे पा रहे। इनको NRO चाहिए था, वो नहीं मिल सकता, तीनों पार्टी एक तरफ और सिर्फ इमरान खान और हम अवाम उनके साथ, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इमरान खान की जीत होगी। ये चोर लुटेरे सारे जो इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको क्रश करेगा। नीलम जी, ये मार्च आप कंटिन्यू करेंगी? अगर ये अभी भी ये मार्च कंटिन्यू रहेगी अगले कुछ दिनों में, अगर ये चाहते हैं, सुने सुने, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इनका इनको माफ कर दे, तो हमारा लूटा हुआ पैसा वापस ले आए और पाकिस्तानी अवाम वापस माफ कर देगी, ताकि हम कर्जों से निजात उठाए उतारे और हम अपने पाकिस्तान को खुद अपने कदमों पर खड़े होकर चलाए। मेरा सवाल आपसे ये था नीलम जी कि ये जो मार्च आपने शुरू किया है, आजादी मार्च, इसका क्या भविष्य होगा, इसका क्या फ्यूचर है? आजादी लेके रहेंगे इंशाल्लाह, हम लेके रहेंगे आजादी, चोरों को निकाल के रहेंगे, ये जो चोर रूल कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इनको निकाल के रहेंगे माशाल्लाह से, गिलगित हमारा, कश्मीर हमारा इंशाल्लाह आजाद, कश्मीर तो है ही, दूसरा कश्मीर भी होगा हमारा, और केपीके हमारा, मैं पूरी पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके कि आपके मुल्क में अमन और चैन हो, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पे भारत और पाकिस्तान हैव नेवर सीन आई टू आई, एंड दैट इज अ पोजीशन दैट इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन। मैं वापस आती हूँ आपके पास डॉक्टर खान, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। इस पूरे मार्च को जो पार्टी है PTI का बार बार कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनकी हक की लड़ाई है, करप्शन के मुद्दों के ऊपर है, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए दोबारा, और कहीं ना कहीं जो इस समय सरकार है उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है आगे जाने का। उन्होंने अभी की सरकार को बोला है कि आपके पास ना कोई लीगल बैकिंग है आगे कंटिन्यू करने की। नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि ये बात करते हैं करप्शन की जी। 4 साल इन्होंने हमारे कायदीन को जेलों में भी डाला, सबूत कुछ ना हुआ, अदालतों से बरी हुए सब लोग। पहली बात तो यह है कि उस पे केस, जाली केस बनाए गए इमरान खान की तरफ से, और जो कुछ किया गया, जो जुल्म कर सकते थे खान साहब, लेकिन हम इस वक्त सियासत नहीं करना चाह रहे हैं, हम अफसरदा हैं, हम इमरान खान के साथ हैं इस वक्त, उनके जो कुछ उनके साथ हुआ, इंशाल्लाह जो भी तहकीकात होंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, मेरे इदारे करेंगे। मियाँ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी पैगाम आया, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी पैगाम यही है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़ है, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है, इंशाल्लाह जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा भी मिलेगी, और उनको इंशाल्लाह जैसे ये पकड़ा गया है, ये दहशतगर्द जो भी है, ये इंशाल्लाह तहकीकात होंगी और लोग सामने आएंगे, और हुकूमत उसका जरूर इंशाल्लाह भरपूर किस्म का उनको साथ सलूक किया जाएगा। डॉक्टर खान, बहुत सारी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं पाकिस्तान में, पहले मैं इन्वेस्टिगेशन असैसिनेशंस होने के बाद आज तो इमरान खान सेफ है, लेकिन उन किसी भी इन्वेस्टिगेशंस का कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन कभी नहीं निकला है। फैजुल्ला खान साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। एक पूरी तहकीकात होगी जिसकी बात की जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट भी बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, इमरान खान सेफ है, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन क्या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से आपको कोई उम्मीद है? क्या जो लोग सच में जवाबदार है वो कभी सामने आएंगे?
देखिए, इंक्वायरी का तो मुतालबा खुद जो इस फायरिंग के वाकये में जख्मी हुए फैसल जावेद सेनेटर है पीटीआई के, उन्होंने अभी मुतालबा किया कि इसका इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। लेकिन इंक्वायरी कमीशन इस मुल्क में पहले भी बनते रहे हैं, इंक्वायरियां होती रही हैं, रिजल्ट उसका कुछ सामने नहीं आता। अभी की मैं इस हमले के बाद एक डेवलपमेंट आपको ये बताऊं कि कम अज कम कराची में 5 से 6 मकामात पर पीटीआई के वर्कर्स निकले हैं, हंगामा राई हो रही है। उन्होंने कराची की एक जो सबसे मेन रोड है शारा फैसल कहलाती है, उसको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है पीटीआई की जानिब से कराची में। इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी पीटीआई का वर्कर जो है वो सड़कों पर निकल रहा है, वहां पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहा है। और जहां तक आपका पहला सवाल था कि इंक्वायरी कमीशन, मुतालबात होते हैं, कमीशन भी बन जाता है, वो लोगों की जो विटनेस होते हैं उनको भी बुलाता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन बेड लक ये रहती है कि रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं होती। इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कितने कमीशन उस वक्त भी बने, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे ये साहब हैं, इनकी गवर्नमेंट भी थी, कमीशन बने, कोई भी हुकूमतें उन कमीशन की रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करती है। तो ये एक जो है हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में कि कमीशन की रिपोर्ट शायद ही शाज़ो नादिर कोई रिपोर्ट आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत सारी कमीशन की रिपोर्ट्स बनती हैं, उनकी जो फाइलों में दब जाती हैं और फिर उसके ऊपर कोई बात एक, नहीं। एक, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिटेल्स में हम जिसके बारे में कभी सीधे तौर से बात नहीं करते, लेकिन सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का एक डायरेक्ट क्लैश रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पोलिटिकल असैसिनेशन जो हुए हैं, जो 2 और 3 हाई प्रोफाइल हैं, उनका